हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की उपमा की रेसिपी कोई आम रेसिपी नहीं है, यह है बहुत ही हेल्दी वर्जन और बिना किसी टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। कम कैलोरीज हैं इसमें, फ़ायदे हैं ज़्यादा। आज की रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट है कॉलीफ्लावर राइस। नहीं, चावल की बात नहीं कर रही, जिसे हम राइस जानते हैं वह नहीं, यह है फूल गोभी का राइस। आप चाहें तो स्टोर बॉट कॉलीफ्लावर राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसे घर में बना रही हूँ। कॉलीफ्लावर राइस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 125 ग्राम गोभी, लगभग आधी कटोरी है जैसे आप देख सकते हैं। इसे अब मिक्सी में घुमा लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिक्सी को कंटिन्यूस नहीं चलाना है, रोक रोक के चलाना है, पल्स बीट करके। अब ये देखिए, इसका बहुत ही बारीक सा दाना हो जाता है। ये बन गया हमारा कॉलीफ्लावर राइस। आई नो, नाम सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये चावल कहाँ से हो गए, लेकिन जिन रेसिपीज़ में ऐसे स्टार्चेज इस्तेमाल होते हैं जिसमें हाई कैलोरीज हैं, जैसे कि चावल, सेमोलिना या फिर मैदा, तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। अब ये एक कप कॉलीफ्लावर राइस तैयार हुआ है और यह सब्स्टिट्यूट बनेगा आज आधा कप सूजी का। जितना उपमा तैयार होने वाला है वैसे एक कप सूजी से बनता, लेकिन आज मैं सिर्फ आधा कप सूजी से बनाऊँगी, सेम क्वान्टिटी। इस वजह से उपमा में कैलोरीज रहेंगी कम, बनेगा वह ज़्यादा हेल्दी। अगर आपके पास पहले से ही भुनी हुई सूजी पड़ी है तो आप वह इस्तेमाल कर लें। मैं अभी फ्रेश भून रही हूँ। मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है मीडियम हीट पर और इसमें डाल दिया है गरम होने पर आधा कप सूजी। अब इसे बराबर चलाते हुए मैंने भूनना है। बहुत ही इसमें हल्का सा गोल्डन सा टिंट आता है, उतना ही करना है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हीट को रखूँगी लो और मीडियम के बीच में। सूजी को भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। इसे बहुत तसल्ली से भूनिएगा, क्योंकि आपकी सूजी कैसी भुनी हुई है उससे एंड रिज़ल्ट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी कढ़ाई का तला मोटा है तो आप इसे मीडियम हीट पर भी भून सकते हैं, लेकिन फिर खास ध्यान रखिएगा, नज़र बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। अगर सूजी पर कलर आ गया तो फिर उपमा अच्छा नहीं लगता, ना खाने में ना देखने में। जिन फ्रेंड्स ने मेरा परफेक्ट होटल स्टाइल वाला उपमा का वीडियो देखा हुआ है वे जानते ही हैं मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। बिल्कुल वैसा उपमा बनता है जैसा कि होटल में मिलता है। 6 मिनट हुए हैं और अब सूजी बिल्कुल बढ़िया सी भुन गई है, और जब सूजी भुनती है ना बहुत ही अच्छी सी महक भी आने लगती है। गैस को करती हूँ बंद और इसे ट्रांसफ़र करती हूँ मैं एक प्लेट पर। इस टाइम इसे ऐसे बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिएगा जिसमें से बाद में उपमा बनाते टाइम सूजी को इजीली कढ़ाई में पलटा भी जा सके। चलिए अब बनाती हैं कॉलीफ्लावर राइस उपमा। मैं इसी कढ़ाई को साफ़ करके फिर दोबारा से गैस पर चढ़ा रही हूँ मीडियम हीट पर। कढ़ाई हो गई है गर्म। इसमें मैं डालूँगी 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर डालूँगी 1 छोटा चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए तेल में कर लूँगी फ्राई। क्रैकल करने लगेंगी तो इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, आधे कप से थोड़ा सा कम है प्याज। प्याज को भी बराबर चलाते हुए भून लूँगी। इसे हमने लाइट पिंक ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। प्याज के साथ ही इसमें भून लेती हूँ अदरक का पेस्ट, और ऑलमोस्ट 2 छोटे चम्मच है, और उतना ही हरी मिर्च का पेस्ट भी है। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इन सबको भी इकट्ठा ही भून लूँगी। प्याज अभी गुलाबी ही होगा, हल्का गुलाबी, तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच गाजर। इसे भी मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में काटा हुआ है। इसे भी सॉटे कर देती हूँ प्याज के ही साथ। आप जब भी उपमा बनाएं तो सारी चीज़ें पहले काट कर रेडी रखिएगा, क्योंकि एक बार कढ़ाई गैस पर चढ़ गई तो बस फटाफट से सारी चीज़ें इसमें डलती जाती हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 बड़े चम्मच फ्रोज़न मटर लिए थे, जिसे मैंने पानी में थॉ कर लिया है। उसे भी गाजर के साथ ही मिक्स कर देती हूँ। अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हों तो आप उन्हें गाजर से पहले ही पैन में डाल दीजिए और थोड़ी देर कुक कर लें, उसके बाद गाजर डालें। इसे करते हैं मिक्स, और अभी ढक्कन लगाकर मैं इसे कुक कर लूँगी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए। बीच में ढक्कन उतारकर मैं इसे चलाते भी रहूँगी। 1.5 मिनट के बाद अब ढक्कन उतारकर मैं इसमें डालूँगी इस रेसिपी का स्टार इन्ग्रीडियंट कॉलीफ्लावर राइस, और इसे भी बाकी सब्जियों के साथ सॉटे कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी सब्स्टिट्यूट है, कैलोरीज हैं इसमें कम अगर हम सूजी से कंपेयर करें, और जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें सिंपल होते हैं, तो इजीली डाइजेस्ट होती है। सूजी डालने से पहले इन सब्जियों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे और बाकी की इनकी कुकिंग सूजी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। ढक्कन लगा कर ही कुक करूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। इस 2 मिनट के बाद ही दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी मटर तो देखिए फ्रोज़न डाले हैं मैंने, तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। काफ़ी गर्म है ये, उठाया भी नहीं जा रहा। अब जो मेन आप इसमें चेक कर सकते हैं, गोभी भी बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। गाजर देखिएगा, गाजर में भी क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अभी इसने बाद में भी कुक होना है, और उपमा में हल्का सा क्रंच आता है गाजर का तो अच्छा लगता है। उपमा में गोभी से आएगी सॉफ्टनेस और गाजर से आएगा हल्का सा क्रंच। बाकी इन सभी सब्जियों के जो फ़ायदे हैं वह तो है ही। अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले। इन सब्जियों को भी कर देती हूँ साइड पर और खाली जगह पर डालती हूँ थोड़ा सा तेल। हीट को भी कर रही हूँ बिल्कुल लो पर, तेल हो फटाफट से हो जाएगा गर्म। इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग, मैं सीधा डिब्बी से ही डाल रही हूँ, आप चम्मच से या चुटकी से डालिएगा, ज़्यादा ना डल जाए। साथ ही इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये अब कलर के लिए है। इन मसालों को हल्का सा कुछ सेकेंड्स के लिए भून लूँगी और फिर इसमें डालती हूँ एक हीव्ड छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब देखिए ये ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं है उपमा की, इसीलिए इसमें ये सब मसाले डल रहे हैं क्योंकि ये सब्जी प्रधान उपमा बन रहा है तो फ्लेवर्स भी उसी तरह के आएंगे। इन मसालों को सब्जी के साथ कर लूँगी मिक्स। इसमें अब डालूँगी एक छोटा चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डालें, इसे भी कर लेती हूँ मिक्स। इसमें अब डालूँगी 1.5 कप पानी, जितनी सूजी ली थी उसका 3 गुना पानी, आधा कप सूजी है तो आधा कप का 3 गुना 1.5 कप। वैसे मैं ट्रेडिशनल रेसिपी में इतना पानी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसमें अभी सब्जी को भी कुक होना है तो इसीलिए 3 गुना डाला है। अब इसे ढक्कन लगा कर उबलने देंगे। हीट को कर रही हूँ मीडियम पर ताकि इसमें फटाफट से उबाल आ जाए। ये देखिए पानी बहुत ही बढ़िया तरीके से खौल रहा है खूब तेज़ी से। पहला उबाल आने के बाद आप 1 मिनट और रुकें, उबलने दें पानी को ताकि पानी में सारे ही मसाले के फ्लेवर्स बढ़िया से आ जाएँ। और इसमें देखिए गोभी बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे सूजी ही हो, बिल्कुल वही टेक्स्चर देती है जैसे भूली हुई सूजी होती है। अब इस टाइम पर आप इसमें नमक मसाले ज़रूर टेस्ट करें। हीट को मैं भी कर रही हूँ लो पर। इस टाइम पर पानी में नमक मसाला होना चाहिए करारा, तभी सूजी डलने के बाद भी हमारा उपमा बनेगा टेस्टी। अगर इस टाइम पर नमक मिर्च हल्के होंगे तो फिर सूजी डलने के बाद वो और भी हल्के पड़ जाएंगे। अगर ज़रूरत लगती है तो आप इस टाइम पर नमक मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अभी मैं साथ ही इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ हरा धनिया, खूब सारा डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, इसे भी करती हूँ मिक्स। और अब इसमें डालेंगे सूजी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, गैस को मैंने अभी बिल्कुल लो पर किया हुआ है। थोड़ी थोड़ी सूजी डालेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, गट्ठी सूजी मत डालिएगा नहीं तो सूजी के लम्ब्स पड़ जाते हैं पानी में, गुठलियाँ पड़ जाती हैं पानी में। हम जब ये सूजी भूनी थी, अच्छे से जब भूनी थी तो इससे काफ़ी सारा इसका पानी निकल गया था। अब जब ये पानी में जा रही है सूजी तो वही पानी को एब्जॉर्ब करके सूजी फूल जाएगी। तो पहले जब अच्छे से भूनते हैं तो फिर इस टाइम खूब सारा पानी एब्जॉर्ब करती है सूजी और खूब बढ़िया से फूल जाती है। उससे हमारा उपमा बनता है दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल भी। ये पानी देखा ना इसमें कितने फ्लेवर्स हैं, और यही पानी अब सूजी के एक एक दाने में जाने वाला है। गैस की सेटिंग लो पर ही है, इसमें मैं बराबर स्पैचुला चलाती रहूँगी ताकि कोई भी गुठलियाँ ना पड़े, सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सूजी डालना शुरू करेंगे तो देखिए फटाफट से सूजी फूल जाती है, 1 मिनट भी नहीं लगता। अब ये कंसिस्टेंसी देखिए आप, इस कंसिस्टेंसी पर हमने गैस करनी है बंद। अभी देखने में लग रहा है कि काफ़ी ढीला ढीला है, लेकिन सूजी ने अभी बहुत सारा पानी पीना है तो ये थिक हो जाएगा। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद और इस पर लगा देती हूँ लिड। तो अपनी स्टीम में ही इसके अंदर जो पानी है उसकी जो स्टीम बनेगी उसमें ही हमारी सूजी अब पक जाएगी और जो सब्जियों में जो कसर रह गई थी वह भी कुक हो जाएंगी। बस 4-5 मिनट ही ये ढककर पड़ा रहेगा, उतने में ही हमारा उपमा हो जाता है तैयार बढ़िया सा। इसे अब सर्व करते हैं। मैं एक बोल में नीचे लगा रही हूँ धनिया पत्ता और इसके ऊपर डालूँगी उपमा। पहले उपमा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सूजी की टेंडेंसी होती है लंप अप करने की, इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि गोभी भी काफ़ी सारी डली हुई है तो वैसा नहीं रहेगा जैसे ट्रेडिशनल उपमा लंप करता है, इकट्ठा हो जाता है। इसे अब डालती हूँ बोल में ताकि अच्छे से बिल्कुल मार्केट की तरह सेट हो जाए बढ़िया सी शेप में। और फिर मैं आपको इसकी सर्विंग्स भी दिखाती हूँ कि सिर्फ आधा कप सूजी से कैसे हमारी 4 सर्विंग्स बन जाएंगी। इसे जब बोल में डालेंगे तो उसका टॉप सरफेस बिल्कुल फ्लैट कर दीजिएगा ताकि जब इसे पलटा जाएगा प्लेट पर तो बिल्कुल फ्लैट बॉटम रहे। इस तरह से भरकर मुश्किल से 2-3 मिनट ही वेट करेंगे तो उतने में ही ये बढ़िया से सेट हो जाता है और फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये हेल्दी रेसिपी? बहुत ही टेस्टी बनता है ये उपमा और बहुत इजी भी है। अगर आपके पास सूजी ऑलरेडी रोस्ट करी हुई पड़ी है तो बहुत ही फटाफट से बन जाता है। इतने उपमा से एग्जैक्टली 4 सर्विंग्स बनी हैं, इन्हें अब कहते हैं डीमोल्ड। इस बोल में मैंने नीचे धनिया पत्ता लगाने की बजाय उसमें कुछ दाने किशमिश के डाल दिए थे, आप चाहें तो काजू डाल सकते हैं नीचे। और
मैंने इस रेसिपी में रोस्टेड पीनट्स नहीं इस्तेमाल किए हैं, मूंगफली नहीं इस्तेमाल करी है। आप चाहें तो आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे गार्निश में चाहे मेन रेसिपी में। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। Stay safe, stay healthy.